वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। 200 दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को 7 विकेटों से हरा दिया है। 200 समरी की अगर हम बात करें तो उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन लगा दिए थे साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत में तो विकेटें गई, लेकिन मध्य क्रम में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की तूफानी पारियों ने साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले से बाहर फेंक दिया। 200 ईशान किशन ने इस मुकाबले में 93 रनों की धाकड़ पारी खेली। 84 गेंदों में 7 छक्के और सिर्फ 4 चौके लगाकर तो वहीं श्रेयस अय्यर की नाबाक पारी ने रोंगटे खड़े कर दिए। श्रेयस अय्यर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के ओडीआई करियर का दूसरा शतक लगा दिया, जहां उन्होंने 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली 111 गेंदों में 15 चौके लगाकर। उनके साथ संजू सैमसन ने 30 रनों की नाबाक पारी खेली, जिसके चलते मात्र 45वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 7 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला ईशान किशन और श्रेयस अय्यर द्वारा। दोस्तों इसी के साथ श्रेयस अय्यर को उनकी 113 रनों की नाबाक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड दिया गया ईशान किशन को, जिन्होंने इस मुकाबले में 7 छक्के लगाए थे। इसी के साथ ये सीरीज के 2 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। एक मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, एक मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया और ये सीरीज अब 1-1 से लेवल हो चुकी है। अब सबकी नजर होगी आने वाले मुकाबलों पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये सीरीज जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई मुकाबला हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों केशव महाराज नए कप्तान बने थे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि टेम्बो बुआमा चोटिल थे। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता और बल्लेबाजी को चुना पिच को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। मोहम्मद सिराज की अंदर आती हुई गेंद पर इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए क्विंटन डी कॉक। दोस्तों क्विंटन डी कॉक मात्र 15 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें बाद मिलान भी 25 रन बनाकर इस तरह से हो गए LBW आउट। ये रिव्यू भी लिए थे लेकिन रिव्यू इन्हें बचा नहीं पाया। 200 जनमन मिलान 25 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते आउट हुए, लेकिन उसके बाद से नंबर 3 के बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स और मार्करम ने तूफानी बल्लेबाजी की। सबसे पहले इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया रीजा हेंड्रिक्स ने। 200 रीजा हेंड्रिक्स ने इस मुकाबले में 74 रनों की पारी खेली। तभी ये सिराज की इस गेंद पर पुल शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े शहबाज अहमद को कैच दे बैठे। 74 रनों की पारी खेल 76 गेंदों का सामना करते रीजा हेंड्रिक्स आउट हुए। उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे आदम मार्करम। 200 इन्होंने देखते ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया, लेकिन ये भी 79 रन लगाकर वाशिंगटन सुंदर की इस गेंद पर सामने खेल बैठे और एग्जैक्ट सामने ही शिखर धवन ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते एडम मार्करम भी आउट हुए। 79 रन लगाकर एडम मार्करम एक अच्छी पारी खेल कर आउट हुए। 200 इनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे हेनरी क्लासन, डेविड मिलर ने तो 35 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनके साथ इस तरह से आउट होकर रह गए हेनरी क्लासन। 200 आप सभी को बता दें हेनरी क्लासन भी कुलदीप यादव की गेंद पर सिराज को कैच दे बैठे। 30 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते आउट हुए। अंत में महाराज 5 रन बनाकर आउट हो गया और पार्नेल 16 रन बनाकर आउट हो गए। दिस गलते ने निर्धारित 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 278 रन लगा दिए थे और भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 279 रन लगाने थे 50 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी हमारी भारतीय टीम। भारतीय टीम की शुरुआत की बात कर लेते हैं। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। 200 इस तरह से आउट हुए पार्नेल की गेंद पर शिखर धवन, कप्तान धवन मात्र 13 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते पार्नेल के आरोप बोल्ड हुए। उनके ठीक बाद शुभमन गिल भी हड़बड़ाहट में। रबाड़ा की इस गेंद पर एस जेवडेम ने बल्ले का इस तरीके से और सामने ही रबाड़ा ने इस तरीके से कैच लपक ली, जिस गलत इस तरीके से आउट हुए शुभमन गिल 28 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन भारत की तरफ से आज नया उभरता बल्लेबाज आया, जिसका नाम था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। दोनों के बीच में एक ऐसी साझेदारी हुई जिसने पूरे साउथ अफ्रीका के रोंगटे खड़े कर दिए। 200 एक और बार तूफानी बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर के साथ ईशान किशन ने और तूफानी अर्धशतक लगाया। 200 तूफानी बल्लेबाजी करते करते ये 53 रन तक पहुंच चुके थे और मात्र 7 रन दूर थे अपने शतक से। तभी फॉर्ट्यून की इस गेंद को छक्का लगाने की चाह में बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री पर रीजा हेंड्रिक्स आ गए और सेंचुरी के सपने टूट गए ईशान किशन के। भारतीय टीम को 99% मुकाबला जिताकर ईशान किशन आउट हुए। 53 रनों की पारी खेल 84 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन उसके बाद भी ईशान किशन के आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की कमान छोड़ी नहीं और भारतीय टीम को जीत की पटरी पर वापस लेकर आ गए और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 200 जो साउथ अफ्रीका बड़ा सफड़ा बल्लेबाज नहीं कर पाया वो किया श्रेयस अय्यर ने, लगा दिया अपना शतक। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने पूरा किया अपना दूसरा ओडीआई का शतक, जिसके चलते भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला 45 ओवर में ही जीत लिया 7 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन ने 30 रनों की नाबाक पारी खेली अय्यर के साथ और श्रेयस अय्यर ने 113 रनों की नाबाक पारी खेली इस मुकाबले में 111 गेंदों में, जिस गलते भारतीय टीम ये 7 विकेट से मुकाबला जीत चुकी है और 1-1 से लेवल हो चुकी है सीरीज। दोस्तों आप श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और भारतीय टीम को अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम साउथ
अफ्रीका का दूसरा ओडीआई मुकाबला। पहले ओडीआई मुकाबले की बात करें तो पहले ओडीआई मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 9 रनों से हरा दिया, क्योंकि भारतीय टीम में कई ऐसी गलतियां हुई जिसके चलते भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज से डेविड मिलर और उनके विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। दोस्तों पिछले मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तो इस मुकाबले में हेनरिक क्लासन ने 74 रनों की नाबाक पारी खेली थी 65 गेंदों में और डेविड मिलर ने 75 रनों की नाबाक पारी खेली थी 63 गेंदों में, जिसके चलते बारिश के कारण 40 ओवर का मुकाबला था। फिर भी 250 रन साउथ अफ्रीका ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। भारतीय टीम को 40 ओवर में 250 रन लगाने थे। इतने टारगेट का पीछा करते भारतीय टीम की तरफ से भी लड़ाई हुई, लेकिन सिर्फ श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया और कोई बल्लेबाज नहीं टिक पा रहा था। तभी भारतीय टीम का मसीहा बनकर आए अंतिम ओवरों में संजू सैमसंग ने भी आखिर तक लड़ाई की, लेकिन वो भी इस मुकाबले को जीता नहीं पाए। 86 रनों की पारी खेल 63 गेंदों में संजू सैमसंग ने भी हार मान ली और 9 रनों से साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में मुकाबला जीत लिया। लेकिन अब बारी है दूसरे ओडीआई मुकाबले की। आइए टॉस की बात कर लेते हैं। दोस्तों सभी को बता दें पिछले मुकाबले में गब्बर धवन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना था और इस बार भी वो वही करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर एक और बार शिखर धवन टॉस जीतते हैं तो टॉस जीतकर गेंदबाजी ही चुनेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जो गलतियां हुई भारतीय टीम वो गलतियों को नहीं दोहराएगी और जीत जाएगी दूसरा ओडीआई मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा ओडीआई मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारत के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला शानदार रहा। पहला ओडीआई मुकाबला दुबई से लखनऊ के मैदान पर समाप्त हो चुका है। पहले ओडीआई मुकाबले में भले ही भारतीय टीम को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम की इसमें बड़ी गलती है, क्योंकि भारतीय टीम से कई ऐसी गलतियां हुई जिसका भरपूर फायदा उठाया साउथ अफ्रीका ने। आइए आपको बताते हैं वह कौन सी बड़ी गलती है। दोस्तों जब 48 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक पहली पारी में आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका की, वैसे वहां पर डेविड मिलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें डेविड मिलर आधे ही बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे और मात्र 127 रन स्कोर था साउथ अफ्रीका का, लेकिन उसके बाद से तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया डेविड मिलर ने। उतने में ही सबसे बड़ा जीवनदान हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर ने दे दिया था अर्धशतक लगाने के बाद, और भारतीय टीम को यही मौका था गेम में वापसी करने का, लेकिन इन दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम ढह गई, इन दोनों मुकाबलों को नहीं प्राप्त कर पाई। दोस्तों ये वो सबसे बड़ी चुनौती थी। जब डेविड मिलर ने सिराज की गेंद को हवा में खेल दिया था तो बाउंड्री पर खड़े थे ऋतुराज गायकवाड़ और इन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया। सिर्फ 50 रन पर खेल रहे थे डेविड मिलर और आखिरी ओवरों की तूफानी बल्लेबाजी की बरकरार थी। इस तरीके से ये कैच ड्रॉप हो गई, ना ही सिर्फ ये कैच ड्रॉप हो गई, ये गेंद चौके के लिए भी चली गई, जिसे देख मोहम्मद सिराज काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुके थे। उसके बाद एक और बड़ा मौका मिला सेट बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ग्रुप में, ये भी 50 रन नाबाक खेल रहे थे। शार्दुल ठाकुर की एक गेंद दी हवा में खेल दिया हेनरिक क्लासन ने, जो कि सेट बल्लेबाज से इन्होंने हवा में खेल दिया शॉट, लेकिन बाउंड्री पर इस तरीके से फील्डर ने कैच को ड्रॉप कर दिया, जिसके चलते डेविड मिलर जो सेट बल्लेबाज से उनको जीवनदान मिला, इस गेंद पर हेनरिक क्लासन को जीवनदान मिला। इन दोनों ही जीवनदानों का फायदा भरपूर उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने और आखिरी ओवर में छक्के चौके लगाकर 249 रन तक पहुंचा दिया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी कर। दोस्तों इस मुकाबले में डेविड मिलर ने 75 रनों की नाबाक पारी खेली, 74 रनों की नाबाक पारी खेली क्लासन ने। अगर ये दोनों कैच पकड़े जाते तो ये दोनों ही बल्लेबाज 50-50 रन बनाकर आउट हो जाते और भारतीय टीम 200 रन भी घेर लेती साउथ अफ्रीका को। इतने टारगेट का पीछा करते हुए श्रेयस अय्यर और संजू सैमसंग के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया भारतीय टीम का, जिसके चलते 9 रनों की हार मिली भारतीय टीम को। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कैचेस विन मैचेस। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट। दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और साउथ अफ्रीका का पहला वनडे श्रृंखला मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 9 रनों से भारतीय टीम के खिलाफ जीत लिया है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं सिर्फ 2 मिनट में इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि शिखर धवन ने टॉस जीता था और गेंदबाजी को चुना था। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है क्विंटन डिकॉक, जो कि पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में 48 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके बाद हेनरिक क्लासन ने मध्य क्रम में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अर्धशतक पूरा किया, क्योंकि मार्करम शून्य बहुमा 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो हेनरिक क्लासन ने बेहतरीन पारी खेली और उनका लाजवाब साथ दिया डेविड मिलर ने, जहां डेविड मिलर ने भी अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। इस मुकाबले में क्लासन ने 74 रनों की पारी खेली 65 गेंदों में, तो वहीं डेविड मिलर ने 75 रनों की पारी खेली 63 गेंदों में, जिसके चलते बारिश के कारण पहले ही 40 ओवर का मुकाबला किया गया था। 249 रन लगा दिए साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम। भारतीय टीम को शुरुआत बेहतरीन चाहिए थी, लेकिन शुभमन गिल पहले ही 8 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इनके बाद शिखर धवन भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए और मध्यक्रम पूरी तरह से ढह गया भारतीय टीम का। 19 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में आउट होकर रह गए, तो वहीं ईशान किशन भी 20 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते अपने विकेट गवा बैठे थे। लेकिन उसके बाद नंबर 5 पर आए थे श्रेयस अय्यर और आकर इन्होंने आक्रामक शॉट्स लगाए और अपनी 50 पूरी की, लेकिन अपने अर्धशतक को ये शतक में नहीं बदल पाए। लुंगी निगड़ी की गेंद पर सिर्फ 50 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर श्रेयस अय्यर भी भारतीय टीम का साथ छोड़ बैठे। तभी भारतीय टीम की रनों की गति को आगे बढ़ाया संजू सैमसंग ने। दोस्तों संजू सैमसंग के ऊपर भारतीय टीम की पूरी उम्मीद टिकी हुई थी। संजू सैमसंग ने कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगाए, संजू सैमसंग ने अर्धशतक भी पूरा किया, संजू सैमसंग ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया, जिसके चलते आखिरी 6 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी संजू सैमसंग को, जो कि संजू सैमसंग या कोई भी बल्लेबाज होता तो नहीं लगा सकता था, जिसके चलते साउथ अफ्रीका को जीत मिली 9 रनों से।
संजू सैमसंग ने 86 रनों की पारी खेली 63 गेंदों में और भारतीय टीम को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम ने मुकाबला हारा, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। अगर आप भी संजू सैमसंग को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले वनडे मुकाबले की हाईलाइट। साउथ अफ्रीका ने 9 रनों से पहला वनडे मुकाबला जीत लिया, लेकिन इस मुकाबले में आखिरी ओवर में जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के 250 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और संजू सैमसंग 50 रन की हाफ सेंचुरी लगाकर नाबाद खेल रहे थे, वैसे वक्त पर आखिरी ओवर का आपको पूरा रोमांच बताते हैं क्योंकि 6 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी जो अपने आप में काफी बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन संजू सैमसंग चट्टान की तरह खड़े थे मैदान पर, उनके सामने आए थे ऑफ स्पिनर गेंदबाज तबरेज शम्सी। दोस्तों आइए आपको पहली गेंद पर लेकर चलते हैं। 6 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी, जैसे ही पहली गेंद तबरेज शम्सी ने डाली तो ये काफी ज्यादा लेग साइड पर चली गई और संजू सैमसंग ने इसे नहीं खेला, जिसके चलते अंपायर ने इस गेंद को वाइड करा दिया और 6 गेंदों पर अब 29 रनों की दरकार थी। संजू सैमसंग स्ट्राइक पर आ चुके थे, 6 गेंदों पर 29 रनों की दरकार थी। जैसे इसकी अगली गेंद संजू सैमसंग को सामने की तरफ रखी तबरेज शम्सी ने तो डिस्पैच कर दिया गेंद को संजू सैमसंग ने और लगा दिया छक्का, जिसके चलते काफी बेहतरीन छक्का आ गया जिसे देख काफी ज्यादा लोगों भी खुश हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी अगली गेंद पर सामने की तरफ शॉट रखा तबरेज शम्सी को संजू सैमसंग ने और ये भी गेंद गई चौके की ओर और अब जीत के लिए 4 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी क्योंकि एक छक्का और एक चौका लगा चुके थे संजू सैमसंग। उसकी अगली गेंद पर एक और बेहतरीन तरीके से सामने का शॉट खेला संजू सैमसंग ने और ये भी गेंद आ गई चौके की ओर, जिसके चलते एक छक्का और दो चौके लगाकर काफी बेहतरीन तरीके से आगे निकल चुके थे संजू सैमसंग। लेकिन अभी भी जीत का रास्ता काफी ज्यादा दूर था। दोस्तों उसकी अगली गेंद जैसे ही तबरेज शम्सी ने सामने की तरफ फेंकी तो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में